हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, फरवरी का महीना है और लगभग आज 20 फरवरी है और मेरे गार्डन में काफ़ी फूल खिले हुए हैं, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं वन बाय वन कि मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। ऐसा कुछ नज़ारा है, उस साइड में आप देखेंगे कि ट्रम्पेट वाइन है और इधर में बहुत सारे फूल अभी खिलने शुरू हुए हैं। फूल अभी और भी खिलेंगे। चलिए तो इसी साइड से शुरू करते हैं, गेट की साइड से कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले गेट के पास लगी हुई है नस्ट्रेशियम वाइन और यहाँ पर कैलेंडुला के कुछ फूल हैं खूबसूरत। कैलेंडुला कई रंग में है मेरे पास में, कई तरह की है और सब सीड से खुद ही ग्रो की हुई है घर पर। और नस्ट्रेशियम वाइन तो खुद ही उगी है, यानी इसे ग्रो भी नहीं करना पड़ा मुझे, ये अपने आप ही उग जाती है एक बार लगाने के बाद, तो इसके कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, बिना मेहनत के ये काम होता रहता है। तो इसके बाद आगे की तब चलते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये छोटे गमलों में मैंने बहुत सारे छोटे गेंदे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे इन पर फूल आए। पूरे सीज़न से ये ऐसे ही भरे हुए हैं फूलों से, लगभग 2 महीने हो गए हैं इन्हें, इसी तरीके से इन पर फूल हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। इधर में बात करेंगे फॉलॉक्स की, फॉलॉक्स यहाँ पर है, ये काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं लेकिन इस बार मेरे पास कम हुए हैं, सिर्फ 2 गमले में। पिछली बार ये मैंने क्यारी में लगाए थे तो ये बहुत सुंदर हुए थे, इस बार लेकिन ये मेरे पास कम है, यहाँ पर इसी गमले में है। तो थोड़ा सा इधर मैं आगे आ जाता हूँ मैं, तो ये सब आप देख रहे हैं, ये सब है वाइट पटूनिया। देखिए एक फूल खिल गया है, तो ये वाइट पटूनिया है, ये काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास और ये इस बार भरकर होना है, बहुत ज़्यादा इस पर फूल आएंगे। इधर में कैलेंडुला है जो कि सीड से ग्रो किया है मैंने, कैलेंडुला मेरे पास ज़्यादातर सीड से ग्रो किया हुआ है। इसमें 2 रंग हैं, एक हल्का पीला है और एक ये भगवा कलर में जो होता है वो है, 2 कलर इसमें हैं। और इधर फिर स्वीट विलियम है, इन पर अभी फूल नहीं आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन आगे में स्वीट विलियम है उन पर फूल आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। डहलिया पर फूल ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े फूल बचे हैं। उधर में हॉलीऑक के प्लांट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं और बहुत सेहतमंद हो रहे हैं, उन पर फूल कलियां आ गई हैं और फूल आने वाले हैं। उन्हें मैंने एक रो में इस तरीके से लगाया हुआ है, वो बहुत अच्छे लगेंगे जब उन पर फूल आएंगे। चलिए अब उस साइड चलते हैं, दूसरी साइड। तो देखिए दोस्तों, ये है बहुत ही खूबसूरत अफ्रीकन डेजी, ये कलियों से भरा हुआ है मेरे पास में, बहुत कलियाँ आ रही हैं और बहुत ही सुंदर फूल होता है। इसके कई नाम और होते हैं, मुझे यही नाम पता है इसका, अफ्रीकन ब्लू आई डेजी बोलते हैं, और इसके कई नाम और होते हैं, शायद आप किसी और नाम से जानते हो इसे। तो ये बड़ा सुंदर फूल है। इसी के बराबर में है सिंगल लीव वाला पॉपी, ये बहुत सुंदर फूल है इसके, ये मेरे पास हो रहा है यहाँ पर। और इसमें मेरे पास मल्टी लीव वाला भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और इधर में सनफ्लावर के भी बहुत सारे प्लांट हो रहे हैं, वो भी मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि कैसे हो रहे हैं। थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे अभी गुलदावरी मैंने जो कटिंग से लगाई थी, इस बार थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, गुलदावरी जो कटिंग से लगाई थी उस पर थोड़ा लेट फूल आए हैं, ये सफ़ेद गुलदावरी है और नीचे वे डॉग पल्सी के फूल हैं। डॉग पल्सी के फूलों पर भी काफ़ी अच्छे से फूल आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास पिछली बार बहुत सीड थे, बहुत प्लांट थे, लेकिन वो भारी रखे रह गए और ख़राब हो गए, इसलिए अब ये 2-4 प्लांट ही निकले हैं मेरे पास में। और इधर में आ जाएं तो इधर में ये थोड़ी पिंक सी गुलदावरी है, ये गुलदावरी का मेरे पास कटिंग से लगाई हुई है, फरवरी में फूल दे रही है, इस बार इन्होंने जल्दी फूल नहीं दिए जो जनवरी का मौसम होता है उसमें। इधर में आ जाएं तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत गेंदे हो रहे हैं मेरे पास, और इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें 2 रंग हैं, एक डार्क येलो है, एक लाइट येलो है। इसमें मेरे पास और इससे भी लाइट येलो और इससे भी डार्क येलो, 3-4 कलर हैं, लेकिन गेंदे में सब मिक्स से ही कलर होते हैं। इधर में रखी हुई है पैंसी और एक ये पौधा, इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं रहता, जिसमें वाइट फूल आ रहे हैं, एक वो है। नीचे भी वर्बना है और काफ़ी सारे पटूनिया के पौधे हैं, जैसे कि वाइट पटूनिया वहाँ पर था ऐसे ही यहाँ पर है, तो ये इधर में आ रहे हैं। चलिए दूसरी साइड लेके चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ आपको पौधे। तो ये देखिए फ्लेमिंग ग्लोरी का प्लांट, काफ़ी बढ़िया इस पर फूल आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वाकई आग लगी हुई हो। और यहाँ पे भी कुछ मैंने सनफ्लावर के रख रखे हैं। इधर मैं ले आता हूँ, इधर में
पॉइंटसेटिया का प्लांट है जिस पर काफ़ी सुंदर फूल आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ये सब पौधे हो रहे हैं। नस्टेशियम वाई नीचे में बहुत ज़्यादा हो रही है, खुद ब खुद निकल आती है। ये वही है जो साइड से मैं दिखा रहा था आपको, हॉलीहॉक के प्लांट। इसके पत्ते आप देखेंगे तो पत्ते का साइज़ इतना ज़्यादा इतना कभी नहीं हुआ, और नीचे में पटूनिया काफ़ी ज़्यादा उगा हुआ है, इस पर फूल आएंगे भी। और यहाँ पर भी ये पीली गुलदावरी रखी है, इस पर फूल आ रहे हैं। अभी जो कटिंग से मैंने इस बार लगाई थी उन पर फूल अब आने शुरू हुए हैं फरवरी में, जबकि बाकी जो थी पुरानी उन पर सब में जनवरी में फूल आ गए थे। दूसरी तपले का चलता हूँ, वहाँ पर भी बहुत से फूल खिले हुए हैं, सुंदर हो रहा है, फूलों से भरा पड़ा है ये। और ये दूसरी बार फूल आ रहे हैं, एक बार पहले आ चुके हैं इस पर, अब ये दोबारा इस पर फूल आ रहे हैं, सेकेंड टाइम है फूल आने का। और मम्मी दे रही हैं पानी, मुझे कैमरे को बचाना होगा पानी से क्योंकि मम्मी इधर ही आने वाली होंगी। तो चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये सारे यहाँ पे हो रहे हैं कैलेंडुला के, और चलिए मम्मी दूसरी तरफ डाल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब तो यहाँ पे कैलेंडुला हो रही है। कैलेंडुला के सिर्फ दो पौधे मैंने ख़रीदे हैं, बाकी सब पौधे मेरे घर के हैं। और ये इतने ज़्यादा इन पर फूल आ रहे हैं, देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं ये। इनमें कई रंग हैं, कई तरह के फूल हैं, बहुत ही अच्छा इनमें लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर है ये रेनोकुलस। रेनोकुलस में तीन रंग हैं, देखिए तीन रंग के रेनोकुलस हैं, ऑरेंज, येलो और पिंक। पटाखे छूट रहे हैं, छूटते ही रहते हैं, चलिए थोड़ी देर म्यूट करते हैं। देखिए ये है सालविया, ये भी सीड से ग्रो किया है मैंने, और ये कितने सुंदर हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारे हो रहे हैं। ये पहली बार सीड से मेरे पास इतने सुंदर हुए हैं, और ये इतने सुंदर नहीं होते सीड से मेरे पास, कुछ ना कुछ दिक्कत रह जाती है। ये सिंगल लीव वाले पॉपी हैं, इसमें भी दो तरह के, उधर में मेरे पास सिर्फ रेड थे, यहाँ पर रेड हैं, रेड पर वाइट लाइनिंग वाले हैं जिनके किनारों पर वाइट लाइन है, ये थोड़े से डिफरेंट हैं उनसे। यहाँ पे सब पैंसी हो रहा है, ये पैंसी जो है मैंने ग्रो किया था पौध ला करके, पौध ले आता हूँ मैं, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, वो बहुत सस्ती पड़ती है। और ये है आइस फ्लावर, आइस फ्लावर बंद हो जाते हैं शाम में, देखिए बड़ा सुंदर फूल होता है और बहुत ज़्यादा रंग आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये शाम हो गई है तो ये बंद हो गए हैं। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ ये किस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, और रंग इसमें देखिए आप वाइट है, पिंक है, येलो है, और भी कई रंग होते हैं इसमें, तो रंगों के मामले में कोई जवाब नहीं है इसका। और यहाँ आ जाते हैं, ये है मल्टी लीव वाला पॉपी जिसमें कि बहुत सारी लीव्स हैं, ऐसा नहीं है कि उस पॉपी की तासीर चार लीव्स हैं इसके अंदर, आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये। ये मुझे सबसे खूबसूरत लग रहा है आजकल जितने मेरे गार्डन में खिले हुए हैं फूल, उनमें गुलाबों पर मैं ध्यान नहीं दे पाया तो गुलाब इस बार उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं। देखिए गुलाब खिल तो रहे हैं, देसी गुलाब बस, और कोई गुलाब मेरे यहाँ आजकल नहीं हो रहा। देसी गुलाब पर भी काफ़ी कम फूल आ रहे हैं क्योंकि मैंने गुलाबों पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो उनमें कुछ हुआ नहीं। दूसरी तरफ चलते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों मैं आ गया हूँ ट्रम्पेट वाइन वाली साइड में, और यहाँ पर उगे हुए हैं मेरे देसी डहलिया के फूल, काफ़ी कलर में फूल हैं, लेकिन ये बस होते ऐसे ही हैं, सबका मुंह नीचे की तरफ रहता है, कुछ खास इनमें मज़ा नहीं आता। और अब चलते हैं, सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है मेरे यहाँ पर आजकल वे है ये मेरी ट्रम्पेट वाइन, लगभग 15 दिन से ऐसे ही इस पर फूल खिल रहे हैं, और ये बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ऑरेंज हो गई है ये, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर मेरी बालकनी लग रही है यहाँ पर। और इसका कहना क्या, ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो मुझे लगभग 5 साल से ये नज़ारा हर साल देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी सब चांदनी वगैरह की कटिंग कर रखी है अभी, ये गोरी चोरी की कटिंग कर रखी है अभी, ये सब अभी मोलने शुरू हुए हैं, इन पर भी फूल आएंगे। यहाँ पे सब देसी डहलिया है, और ये देखिए ये सब देसी डहलिया है, और ये डेजी का गार्डन, यानी बहुत सारी डेजी एक जगह पर लगाई हुई है मैंने, कॉमन डेजी बोलते हैं जिसे, ये देखिए कॉमन डेजी, ये कॉमन डेजी के फूल हैं, येलो और वाइट मिक्स, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये भी। तो इस तरीके से फूल खिले हुए हैं मेरे गार्डन में, और अभी बहुत सारे फूल और खिले हैं, जैसे कि तो यहाँ लार्कशपुर करके फ्लावर होता है, उसके प्लांट्स पे कलियानी शुरू हो गई हैं, वो भी जल्दी फूल खिलेंगे, वो स्टिक में होते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा,
और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। भरकर इन्हें लगाने में डेजी को मज़ा आता है, क्योंकि इनमें फिर फूल बहुत अच्छे लगते हैं जब घने होते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये बहुत ईजली ग्रो हो जाता है, आप फूल से ही सीड तैयार कर सकते हैं, उनसे इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसमें ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब मेरा सीड से ग्रो किया हुआ है ही है डेजी। यहाँ पे कुछ भी ना तो मार्केट से लाया हूँ, ना नर्सरी से लाया हूँ, मैंने घर पर ही जो लास्ट ईयर के सीड थे उनसे इसने ग्रो किया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये गार्डन पसंद आया होगा। और अभी कुछ फूल और खिलने हैं, जब वो खिलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। और उम्मीद करता हूँ बहुत से फूल आपको पसंद आए होंगे और आप अभी अपने गार्डन में उन्हें ऐड करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।